हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साजी मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बताने वाला हूँ इसी वेट मशीन का कैलिब्रेशन। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास मशीन है वो है रियलस्कैन का वेट मशीन, वेट सेल कह लो तो भी चलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है वो आपको हम आपको पहले बता देता हूँ। इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि हमारा मशीन जो है वो 30 क्लॉक का है, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर मशीन में वो होता है 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम से स्टार्ट होता है, लेकिन इस मशीन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 10 ग्राम से। ये एक प्रॉब्लम हो गया। और उसका जो दूसरी प्रॉब्लम है वो आपको बता देता हूँ। जब भी हमारा 1 किलो वेट रखता हूँ इसमें, तो हमारा 1 किलो से ज़्यादा दिखा रहा है। तो हम आपको चेक करके दिखा देता हूँ मशीन को। हमारा पहले मशीन को ऑन करेंगे, देख सकते हो हमारा मशीन हमारा ऑन हो रहा है। जो आपको एक बात भी बता देता हूँ कि हमारा जो आज 30 किलो का वेट मशीन में जो स्टार्टिंग होता है वो 1 से 2 ग्राम के अंदर ही होता है, लेकिन ये 10 ग्राम से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा देख सकते हो इधर हमारा 1 किलो का रखा, आप देख सकते हो हमारा 1 किलो का बच्चा है, और इधर जो हमारा दिखा रहा है 12 से 20 ग्राम। इसका हम आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमको पहले हमारा स्विच को बंद करना पड़ेगा, पावर स्विच को। उसके बाद हमारा जीरो और इधर जो देख सकते हो जीरो और मोड बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद हमारा पावर बटन को प्रेस करना है, उसके बाद छोड़ देना है आपको। इधर देख सकते हो कि 00 आ रहा है, इधर हमको पासवर्ड मांग रहा है। तो हम इधर जीरो को प्रेस करेंगे, फिर से प्रेस और जीरो प्रेस करेंगे, फिर से हम जीरो को प्रेस करेंगे, फिर से हमको जीरो प्रेस करना है। इधर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको इधर थोड़ा रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने जीरो बटन को प्रेस करेंगे, और इधर हमारा ALC 0। उसके बाद फिर से हमने जीरो बटन को प्रेस करेंगे, इधर देख सकते हो 00। हम फिर से जीरो बटन को प्रेस करेंगे, फिर से ये दोस्तों देख सकते हो हमारा जो काटा है वो 30 किलो है, 30 किलो है। तो इधर हम 30 किलो रखेंगे, हम 10 किलो भी दे सकते हैं। हमारा जो 30 किलो आ रहा है, उससे पहले हमारा कैप आया था वो फट गया था। तो दोस्तों, हमारा कैप में हम लेंगे 30 किलो, ठीक है। 10 किलो भी ले सकते हो, 30 किलो भी ले सकते हो, तो हम 30 किलो लेंगे। तो हम आपका टाइम प्रेस करेंगे, 10 बटन को प्रेस करेंगे, और इधर हमने 10 किलो लेते हैं, हमने 10 किलो ही लेता है। हमारा फिर से जीरो बटन को प्रेस करेंगे, हमारा FDI 10 आ रहा है। तो हमारा इधर जो है वो ग्राम का प्रॉब्लम है, जो हमारा 10 ग्राम से स्टार्ट हो रहा था। तो इधर हमने 1 ग्राम करेंगे, तो 1 ग्राम से ही हमारा मशीन ऑन होगा। तो हमने इधर 1 ग्राम कर देता हूँ, ठीक है। आप बटन को प्रेस करके जब भी 1 आ जाएगा तो आपको छोड़ देना है, और उसके बाद आपको जो है करना है 0 बटन को प्रेस करना है। देख सकते हो कैप पकड़, फिर से हमारा F2 आकर हमारा फिर से इधर 30 किलो आ गया। तो हमको इधर फिर से 10 किलो करना है, 20 किलो बड़ी 10 किलो, तो हमको इधर 20 किलो करना है। पहले हमने 10 किलो किया था, उसके बाद 20 किलो, उसके बाद फिर से देखिए हमने 20 किलो कर दिया। उसके बाद जीरो बटन को प्रेस करना है, इधर हमारा इधर हमारा इधर भी हमको एक करना है, इधर हमारा दो दिखा रहा है। फिर से हम 0 बटन को प्रेस करेंगे, तो अगर फिर से हमारा कैप 3 अगर हमारा इधर 30 किलो आ रहा है, तो हम इधर 0 करेंगे। फिर से 0 बटन को प्रेस किया, इधर देख सकते हो FD3 FD3 इसमें 10 ग्राम है,
इसमें 10 ग्राम आ रहा है तो इसमें हम लोग को 1 ग्राम करना है। देख सकते हमने 1 कर दिया, हमने फिर से 0 बटन को प्रेस करेंगे, फिर से 0 बटन को प्रेस करेंगे और देख सकते हैं लोड हो रहा है। हमारा जो लोड है वो हम देंगे आप जो पिला को पिला सकते हो जो भी है उसी को सकते हो और उसको करने के लिए फिर से 0 बटन प्रेस करेंगे। अब देख सकते हो कि हमारा जो ओल्ड है ओल्ड है हमारे सुन कर रहा है एक पिला दो से हम आप बटन को प्रेस करेंगे पूरा 0-0 कर देंगे। देख सकते हो 0-0 कर दिया, उसके बाद फिर से हमने अप बटन को दबाकर 1 लिखेंगे और उसके शिफ्ट बटन को दबाकर हमने 1 किला कर चुका हूँ। देख सकते हो अब हम 0 बटन को प्रेस करेंगे और इसे देख सकते हो हमारा जाकर 0-0 हो गया तो हमने बटन को हम नामेंगे वो से और देख सकते हो 1 किला तो हम उसको फिर से भी तो आपको दिखा देता हूँ कौन है नहीं क्या होगा मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे उसके बाद ही हम उसको देखा देता हूँ पूरा मशीन जो है वो सही हो पाया नहीं तो इसको हमने बंद कर चुका हूँ। अब हम रिपेयरिंग करेंगे इसको देख सकते हैं हमारा मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा ठीक है तो यही मशीन हमारा कैलिब्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों अगर हमारा इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।